करेगा, चूर चूर हो जाएगा। गोंडवाना से जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन No!
भैया बिल्कुल समझौता नहीं होना है तो दोषी सरकार गिरफ्तार हो रहा है। समझौता करवाने के लिए घूमा है उनका थोड़ा समस्या बताओ। राष्ट्रीय लेवल पे हम राज्य लेवल पे रावण दहन कर रहे हैं प्रशासनिक रूप से ज्ञापन यहाँ भी किए लेकिन अगले साल भी यहाँ की जो समिति आयोजक समिति है रावण दहन उन्होंने हमारे लोगों को मारा नहीं मारा हम जब उनको तो नहीं कह रहे ना शासन ने ज्ञापन सौंप करके थाना में भाई कब मारा पिछले साल भी था किसके साथ लक्ष्मण मेरा पिछले साल लक्ष्मण है पिछले साल पिछले साल मेरा भी राजू मेरा भी हमने उसके सम्मान में एसपी के पास थाना में भी किए थे पूरे कवर्धा जिला में हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष गोदा में गए हमारा यात्रा बकायदा परमिशन लेके हम यात्रा कर रहे हैं गाँव गाँव घूम रहे हैं जबरदस्ती नहीं कर रहे ना गोदा का कोतवाल मतलबी करता है मतलब ही नहीं है भाई किसी भी जुलूस में व्यवधान करेगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लक्ष्मण जी से मार के लक्ष्मण जी मेरे साथ ही हुआ है यात्रा में व्यवधान किया गोदा थ्री में के द्वारा जो हमारे यात्रा में पूरा जुलूस में शराब पी करके हम लोग काम कर रहे हैं हम मजबूरन वहाँ पाइप बंद करके हम लोग आए हैं एफ आई आर दर्ज करवाएं कोई प्रतिक्रिया नहीं तो हम इसको क्या माने क्या माने। अगर उनको रावण दहन करना है दुर्गा के साथ भैंसा दूध को मलहाना है तो कोर्ट में हमारे पार्टी बन के आए ना क्यों हमको गली गली हमारे सदस्य को मारपीट करता है। कोर्ट में फैसला हो गया कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है लेकिन प्रकरण अभी सिविल वाद पेश किया है जिला के पास में तो अभी प्रकरण में है तो प्रकरण में है कब लगाए 2018 में लगाए हैं स्टे नहीं लगाया है प्रकरण अभी चल रहा है फैसला नहीं आया है नहीं नहीं वो नहीं बोले हैं अभी हमारे पक्ष को सुन रहे हमारे सियानों को सुन रहे उनके भी पहले सुने हैं उसके बाद अभी हमारे गवाहों को सुन रहे हैं तो हमारा ये कहना है जब न्यायालय न्यायालय में है हमारा प्रकरण तो आप इधर हमको मारते क्यों भाई कानून को हाथ में लेते क्यों हो और कानून को अगर हम भी चाहते तो अभी भैंसा सुर मारा है हमारे इतने सदस्य है वहाँ तोड़ फोड़ कर सकते थे कि नहीं रावण दहन करते किए हैं उस दिन हम रावण दहन के विवाद खड़ा कर सकते थे दशहरा के दिन लेकिन हम तो नहीं किए वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों बदसलूकी करता है और जब हमारे साथ बदसलूकी करता है तो उसके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम ये नहीं चाहते कि वो बंद करे लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़ाई न्यायालीन है तो न्यायालय में चले लड़ाई पार्टी बन के गाँव में हमारे साथ पार्टी बन के नहीं आए वहाँ तर्क से न्याय होगा वहाँ एविडेंस के तौर पे निर्णय मिलेगा। न्यायालय में जब कोई केस चल रहा है जी जैसे हमारा छोटा न्यायालय है हाँ तहसील न्यायालय छोटा सबसे छोटा न्यायालय है लेकिन हमारे भी न्यायालय में जब कोई केस चलता है तो आता है हम लोग सिविल में चले गए हैं तो सिविल में चले गए तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है जब तक वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल जाता जब तक कोई स्टे नहीं लग जाता तब तक आप सामने वाले को केस को हम लोग रोक नहीं सकते वो केस चलते रहते हैं ठीक है ना। ओ, मैं आपके बात ये समझ रहा हूँ सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ आप कह रहे हो जो न्यायालय में चल रहा है प्रकरण हम भी कह रहे हैं न्यायालय में चल रहेगा लेकिन बाहर में हमारे साथ क्यों इस प्रकार से होता है और जब हम उसको मारपीट के लगाए हम रावण दहन के प्रतिबंध के लिए नहीं लड़ रहे हैं और भैंसा सुर को लगाया मना लगा इसके लिए उसको तो हम न्यायालय में लड़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ मारपीट होता है ये तो फिर और ये बोधा तीन वाला जो केस है जी इसमें 3 तारीख कल बहुत सारे लोग आए थे हमारे एसडीएम ऑफिस में उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गलत इल्जाम लगाए लिखित में दिए हैं हम लोग को क्या दिए हैं
कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं करके, वो वहाँ कोटार उपस्थित ही नहीं था करके, रिटर्न उपस्थित नहीं आप सुनिए रिटर्न में दिए हैं, सुनिए इस चीज की क्या, मैं आपको रिटर्न में दिए हैं उसका फुल वीडियो एविडेंस है भाई हमारे पास। आप वो लोग आरोप लगाए हैं, हम आरोप लगाए हैं। गुरु जी, गुरु जी सुनो, वो कोटवार निकल गया, एक आदमी और जिसका नाम डाले है ना, वो नहीं था कोटवार। अच्छा, था वहाँ वो भी लड़का था वीडियो में, वो खुद डाले हैं वीडियो को, आपको हम एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हैं भाई। सुनियो है, आप हमको सबूत मांगेंगे, दोनों पक्ष को सुनेंगे कि नहीं, दोनों आप गवाह को सुनेंगे कि नहीं, वही मैं बोलना, उसके बाद जजमेंट करेंगे, एक पक्ष को सुन करके जजमेंट कर देंगे आप। वही मैं बोलना, हुआ कहां है, वही मैं बोलना चाहता हूं, आप वहां प्रकरण में कह रहे हैं तो वही मैं बोलना चाहता हूं, आप एक पक्ष वाला प्रकरण है, आप एक पक्ष, आपने अपना पक्ष रखा है, सामने वाला भी पक्ष रख रहे, उसी को तो जांच कराना पड़ेगा ना, उसको हटाया जा रहा है जानबूझकर लड़के को। मैं ये बोल रहा हूं, लड़का अभी सामने आ जाए बोल दे, देखिए अरे वो लड़का तो लड़का है, मैं खुद खड़ा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ है, बस सलूकी क्या करके आप उस लड़के को, पिछले चालू हुआ था उस लड़के को डूब लाऊं, एक लड़का नहीं है तो हमारे पूरे रावण यात्रा के साथ थे, वो भी थे, गाली गलौज जातिगत गाली गलौज किया मेरे पद्मावती को, भाई समाज में मेरा ख्याति है, उसको भी वो उछाला गए, वो भी कोटवार को मैं बोला परमिशन देखा, कलेक्टर का दिखाया, उसके बाद आधार कार्ड को दिखाया, अपने आईडी को भी दिखाया, तो कहता कि काय कलिंग हो, झाट कलिंग हो, सुअर कलिंग, बोलने का तरीका है, उसको बोला कि आप प्रशासनिक व्यक्ति हो भाई ऐसा मत बोलो, लेकिन वो ही उठा रहा था इनको कोटवार, और उसके ऊपर हम एट्रोसिटी के तहत FIR कराने के लिए आवेदन दिए, आज तक कुछ नहीं होता, उसको क्या माने आप, वो भी हमारे यात्रा में दंगा किया है, इसका जांच करा सकते हैं, लक्ष्मण वो यार बताया यार लक्ष्मण, मारपीट हुआ था कि नहीं आपके साथ, कौन किया था, चौहान और सब घर बैठा, बोधा तीन के बार बता रहा है, बोधा तीन का एक अलग घटना है, गांव का अलग घटना है, गांव में दो बार हो गया है, दो बार होते हुए पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ था, और इसी बात पे हुआ था, इसी बात के सामने मैं बता रहा हूं, एक मतलब पता नहीं माने कभी रावण धन में आवेदन दी थे इन लोग, सब हमारे संगठन के हैं, मारपीट हुआ, मारने वाले चुपचाप मारा नहीं होगा, कुछ कारण बताया हो आप, कुछ नहीं हुआ, बोली बोले तोर माध्यम से हुआ, एक भैया हमारे पर गई, हमारे कॉलर ला पकड़ी सब दैया मैया धरी सब, जाति काल बोले तुम्हार गोण ऐसे बढ़ा दे, तुम्हार बुढ़ा दे, तुम्हार अपन गाड़ तेरी घर पर, अब बताइए आप, हमारे देवी देवताओं भी मेरे कहने के मतलब पुलिस, आप रिपोर्ट लिखने आए थे ना, रिपोर्ट आए थे, आवेदन भी दिए हैं, उसके बाद इन्होंने लिख के दे दिया है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करता हमारे बीच आपस में, उसका कारण ये है इनके जो चाचा हैं जो DSP और सस्पेक्टर हैं, जो DSP हमारे मरावी साहब, उनका रात को फोन आया था, इन्होंने बात कराया, बोले कि उसमें आनंद इन लोगों के बीच आपसी समझौता करवा दे, इन्हीं खून से गलत बात है यार, थाने वाले को बात है सर, ये ना दबाव, अब बात सुनिए, प्रशासनिक आदमी होकर के दबाव लगा रहा है, थाने में तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, सुनिए ना गुरुजी, हां अब छुपा रहे हो ना बात, कहां है, अरे पहले बात करेंगे, मैं जवाब दे रहा हूं, इससे मतलब ये होता है कि इसके परिवार वाले के द्वारा इसके पर दबाव डाला गया, ये नहीं होता क्या, ये तो छोटा है, अपने साइन में आवेदन दिया, इसके परिवार वाले को दबाव डाला गया, वो नाता वहां है, इसके परिवार वाले इसके ऊपर दबाव डाल के केस को खत्म करना चाहते, वो भी गैर कानूनी है, वो है कि नहीं, गलती किसकी है, इनके परिवार वाले की, अरे उसके ऊपर भी FIR करवाएंगे हम, उसके ऊपर भी होगा जो इसके ऊपर दबाव डाला है, हाँ उसके भी होना, पहले बात गवाह को गुमराह करने वाले के ऊपर भी, और गलत रिपोर्ट करने
वाले के ऊपर आप इस टाइप के मत बोलिए सर। मैं उस दिन आया था आपके पास, दो घंटा बैठे थे, आपने दोनों पक्षों को सुना, सुना नहीं मेरे सामने में। मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, नहीं बोला, न्यायालयीन प्रक्रिया चलेगा वहाँ। मैं क्या बोला था, जांच कर लेता हूँ, जांच पर से जो भी पाया जाए। उस दिन के बाद देखिए, बात पहले मेरी सुन लीजिए या फिर आप पहले बोल लीजिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, सब जनता सुन लो, जो बात हुई मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ था, इन्होंने आवेदन लेके आए, ठीक है, मैं आवेदन लिया। सबसे पहले इन्होंने जिसको गवाही में डाला था कि फलाना फलाना आदमी घटना को देखे, उसमें सफर खान का नाम था, सफर खान को मैं बुलवाया, वो कवर्धा से आया, उसने सबसे पहले कह दिया कि मैं तो था ही नहीं सर, ये गलत बात है, मेरा गवाही में नाम डाला गया। पहला कथन हो चुका है, उसके बाद अन्य लोगों का कथन बाकी है, तो जांच तो मैं कर ही रहा हूँ। सफर खान से आप पूछ लीजिए कि उसका बयान हुआ सर, ठीक है, वो तो अच्छा उसके बाद जाने के बाद की बात है। पहले मैं बोल लेता हूँ, मेरे जाने की बात, आपको गुरु जी बोल रहा हूँ, आप गुरुदेव है, आप सब बात जनता के बीच बोल रहा हूँ। उसके बाद रात को लक्ष्मण मेरे पास आया, इसी दौरान इनके जो चाचा हैं इंस्पेक्टर है गरिया पर, उनका फोन आया, बोला मेरा भतीजा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, बस बैठा के उसको समझाइए और आप उनसे भी समझाइए, उन दोनों पक्ष से बात करिए, मेरा कहीं रोल नहीं है कुछ भी। फिर DSP साहब का भी फोन आया जो इनके बड़े चाचा हैं, उनका भी यही कहना था, आनंद चूंकि मैं उनके अंदर नौकरी किया हूँ मेरे को जानते हैं, तो बोले आनंद इन लोगों को बैठा के समझाओ, बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसमें अपराध वाली कोई बात नहीं थी। फिर मैंने लक्ष्मण को बोला, तो लक्ष्मण ने बोला कि ठीक है सर, मेरे घर के जो बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ सर, मैं कोई कार्रवाई नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है समझाने में, मेरा कोई रोल नहीं। एक इंडिविजुअली हुआ या पंचनामा, ये जब वो जो भी बात होता है सर दो के बीच में, तो नहीं हो सकता ना, आप भी वहाँ जाएंगे जांच में, अकेला तो नहीं जाएंगे ना, इसके साथ जो भी हमको पूछना चाहिए। ये पर्सनल यही का रहने वाला लड़का है, खाने वही मार रहा सर, तो आप उसको अकेले पूछेंगे तो क्या बताएगा सर? आप गुरुजी बताइए, आपके सामने मेरे जाने के बाद वो घटना घटा है इसके साथ, नहीं सुनिए ना, इसके साथ मारपीट हुआ ना, वो आपके साथ बैठ के जाने के बाद हुआ है, हुआ कि नहीं? और उसके पहले हमारे साथ बोधा 3 में घटना घटा था, उसकी भी जांच, बोधा 3 का जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं उसकी, कौन बोला जांच नहीं हो रहा उसकी, उसका बयान हो चुका है, दो लोग का कोटवार का बयान हो चुका है, अन्य आदिवासी संगठन आके, मैं सुनो ना, अन्य आदिवासी संगठन भी आया हुआ था जो बोले कि हम बोधा के ही रहने वाले हैं और हमारे सामने गुरु जी का कोई अपमान नहीं किया गया, बस गुरु जी ने कोटवार में पूछा है, उन्होंने कहा, मैं तो आदिवासियों से, भाई आपके बयान में सबसे पहले यदि आदिवासी का अपमान होगा, एक आदिवासी का अपमान होगा, दूसरे का नहीं होगा, सबका होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी का किसी ने उपयोग अपमान नहीं किया है, बाकी जांच चल रही है, मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, उस वीडियो क्लिपिंग में हमने भी देखा है, वहाँ पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्हीं लोगों ने भेजा है, समझिए। और रही बात कोटवार नहीं था, इस वो लड़का नहीं था, नहीं, वो लड़का नहीं था, वो बता रहा हूं, ये आप ही के समाज वाले लोग लिखे, नहीं नहीं सर, आपकी समाज की बात आप ना करें, क्योंकि हमारे समाज आज ईसाई है, कला करके हमको ईसाई कहेगा, हमारे अगेंस्ट में आकर के हम मान लेंगे क्या? हमारे समाज, हर समाज अलग अलग, मुस्लिम भी 2 कैटेगरी में बटा है, ईसाई 3 कैटेगरी में बटा है, गोंड भी हमारे हिंदू समर्थक है, ईसाई समर्थक है, जनजाति समर्थक है, क्या मैं उनकी बात को मत सुनूं? सुनिए आप, हम ये नहीं कहते हैं, सभी की बात बराबर है भाई, जांच हो रहा है ना, वही तो बोल रहा हूं, उनका बात सुनेंगे, आपका बात सुनेंगे, सुनिए सर, जांच हो रहा है, कितने दिन हो गए जांच होते हैं, क्यों नहीं जांच हो रहा है? 20 तारीख के बाद घटना घटी, गंभीर पहले जब हमारा अधिकार है और हमारा कानून ये कहता है एक पहला गिरफ्तार उसके बाद जांच, सुप्रीम कोर्ट का भी नया नया आदेश आया है, उसके बावजूद भी आप जांच के बाद गिरफ्तार की बात करते हो, भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत में संविधान से थाना चलता है, थाना की प्रभारी के द्वारा थाना चलता है, अधिकारी कोई आका नहीं, वो भी भारत के संविधान से, हम भी भारत के संविधान से, कानून कोई और कहते हैं, कोई आप ये चाचा को बुलाओ और वहाँ करके अपना उन्होंने
आप लोग परेशान की भंग मत करो, आप आज हमारे थाना अंदर में कहीं भी संसद सुन रही है ना, आप प्रणाम कर सकते हैं सर। मैं आपको डाउनलोड करना पहले बताया कहे ना, 15 दिन पहले कलेक्टर एसपी और समस्त थाना प्रभारी को प्रतिलिपि हम दिए, आपका उच्च अधिकारी आपको प्रतिलिपि में नहीं भेजा, वो हमारा गलती थोड़ी है। वो प्रतिलिपि देखिए, प्रतिलिपि आदेश नहीं है, प्रतिलिपि कानून नहीं बना है, आपने इसका विरोध किया है। आपने विरोध किया आरटीआई 1/2005 ये कहता है, आपने संबंधित आवश्यक कार्यालय संबंधित कार्यालय को आप प्रतिलिपि में डाले हैं, तो जहाँ पे डाले हैं वो प्रतिलिपि फॉरवर्ड करने की अधिकार है वहाँ पे। अब आपका उच्च अधिकारी आपको सूचित नहीं, हम क्या करें। बनाने के लिए भी होता है, जो मूर्ति बनाने कहता है वही मूर्ति बनाएगा वो, जो साड़ी पहनाने कहता वो साड़ी पहनाता है, उनका नहीं बनाता। मैंने एसपी के पास आवेदन दिया कि रावण हमारे आवश्यक कार्य आई में संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा ठीक, तो प्रो अधिकारी फॉरवर्ड नहीं करना इधर करेगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। आरटीआई 1/2005 अधिकार यही कहता है, आप धारा 6 को लेकर आप आरटीआई 1/2005 अधिकार उनको पूछा जाए, अगले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अगले अधिकारी जो है 6 महीने के बाद में जनता कहती है रावण दहन, आप जो बोल रहे हैं रावण दहन होगा नहीं होगा, रावण दहन इस देश में कहीं भी पुलिस नहीं करती, पुलिस नहीं करती, प्रशासन नहीं करती, जनता सकती है ना, जनता विरोध सब लोग बात कौन करेगा, इस बार बात कौन करेगा, जनता जवाब की है, जनता विरोध कर रही है, बात कौन करेगा, तो नहीं पुलिस सुनिए सर, सुनिए ना, ये रावण दहन वाला बहुत विस्तृत है, राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है। मैं एक आप एक बात नहीं गुरु जी, तो आप प्रणाम मैं कह रहा था, यदि हम लोग इस चीज को नहीं, जैसे सती प्रथा दासी प्रथा कानून बनने पर हुआ है, संसद में बहस हुआ है, इसके संबंध में भी कानून बनेगा, लेकिन कानून कब बनेगा, कानून बनने विरोध होने पर बनेगा, ठीक बंद हुआ हम भी मानते हैं, लेकिन विरोध करने वाले को कोई लाठी मारपीट नहीं किया है, गाली गलौज नहीं किया है, तो हमारे साथ गाली गलौज क्यों किया जाता है, हम तो संविधानिक रूप से लड़ाई हम ये कभी किए हैं का, आप बताइए, अगले वर्ष यहाँ रावण दहन हुआ था ना, हमने ज्ञापन समस्त थाना में दिया और कलेक्टर को एसपी को दिया, उसके बाद रावण दहन कर रहे थे तो वहाँ जाकर के विवाद खड़ा किए क्या, नहीं किए, हम ये कहते हैं अब हमको विरोध करने वाले को मारे पीटेगा, आप उनके ऊपर आपराधिक मामला नहीं करोगे, आपराधिक मामला दर्ज नहीं करोगे, क्या बोल रहे थे बताइए,
मैं बोल रहा था हमारा कोई किसी से जबरदस्ती किसी घर नहीं जाना है कि रावण दहन कर, वैसे हम तो शांतिपूर्वक अपना काम कर रैली निकाल रहे हैं, तो हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हैं, हमारे आदमी को क्यों मारे जा रहे हैं? वो ऐसा होता सर, तो हमने प्रारंभ किया ही था कि इसमें ये जब पूरे देश के पूरे विश्व देश के हिंदू रामायण को चार लोग बैठ के सबका अपना अपना मान देता है। मैं वहाँ बैठा था, आपको बताया था, और हमारा विरोध हमारा तर्क हम आपके माध्यम से न्यायालय में लेना चाहते हैं, ये कहना है। अब हमारे साथ हमको जान से मार देगा, सुनिए ना, आपके साथ मेरे को अगर कुछ हो जाता और आप रावण को घुमा रहे, इसको मार दिया, इसके मारने वाले के ऊपर कुछ नहीं करे तो हो तो रहा है, हो रहा है सर। हमारे सुने इस जुलूस में अभी कोई दंगा करेगा सभी को तत्काल गिरफ्तारी, और हमारे जुलूस में हुआ तो 153 का नहीं होता है, वहाँ पे शांति भंग नहीं होता है आप लोगों का। हमारे जुलूस में कोई दंगा करता है तो अब एट्रोसिटी की मांग करते हैं तो जांच की बात गिरफ्तारी। अभी तो सरकार भी झुक गया है ना, वापस ले लिया ना एट्रोसिटी, जो ले लिया है भाई, तो आप अभी कोई यहाँ हथियार धर के आ जाए बलवा का धारा लगा दे, हमारे शराब पी करके दंगा के एट्रोसिटी 139 क्यों नहीं लगाते हमारे यात्रा में? उतना मैं बताया ना आपको क्या गाली थी, आपको दिन भी बताया था सर, मैं वेस्ट भी किया हूँ मैं, आपने कोई समस्या नहीं है। अगर परिवार का गलती हो रहा तो कोई दो मत की बात नहीं, आना ना भाई, आना लगा लड़ने के कारण दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। बार सुनिए सर, बार बार सुनिए ना, ऊपर बात न्यायालय का देखिए, न्यायालय न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग है, कार्यपालिका क्या कहता है? मैंने इनके आवेदन पर अरे रिसीप्ट तो दिए हैं, कार्रवाई नहीं करता हूँ तो मेरे खिलाफ आप कोर्ट से जानकारी ले सकते हैं। ये सर वो तो सब क्या कार्रवाई किया वो तो होगा, हम भी जानते हैं, कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी करेंगे। हाँ वो तो होगा ही, हाँ वो होगा तो फिर हमारा एट्रोसिटी कहाँ गया, फिर कहाँ गया? आप एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, आपके बीच में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं और मुझे पता है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गहराई से पढ़ते हैं, कोई भी अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट जब पारित करती है तो क्या वो कानून बनता है? क्या बनता है, क्या वो सीधा कानून बनता है? पहले सुनिए, आप बात कर रहे संविधान की, अध्यादेश की बात नहीं सर, आप बात कर रहे 2 अप्रैल को हमने बंद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पुनः फिर से वही ला दिया, उसे पुनः लागू किया गया। हाँ तो वो लागू नहीं होगा क्या? कानून नहीं बना क्या? कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना, क्यों का सही पूरा मैं वही भी जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि कानून नहीं बना, कह रहे हैं बना कि नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं बनेगा? वो पहले कानून बना था, आप ऐसे मत कहिए सर, वो कहेंगे कि आप राजपत्र में अधिसूचना जारी होगा, नहीं है क्या? अरे कोई नया कानून बनता है इसलिए अध्यादेश और अधिसूचना और पार्लियामेंट असेंबली में बात होता है, लेकिन कानून बना था सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको पुनः वही ला दिया, आप अध्यादेश की बात क्यों करते हैं भाई? लग सकता है नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा यार? क्यों नहीं लगेगा? वो बताइए, क्यों नहीं लग सकता है? ये कोई नया कानून तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है, जिस दिन अध्यादेश और धारा लगना पार्लियामेंट असेंबली में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, धारा तो नहीं लगेगा ना बाद में, कहाँ से देखी जाएगा? बात सुनिए, इस चीज में चर्चा बैठ के हो सकती है, कौन सी धारा लगेगी, क्या जांच कितनी घटनाएं हो गई, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट एनकाउंटर, इतना सब चीज हो रहा है भाई, थाना प्रभारी इतना वो नहीं है ना, सब धीरे धीरे तो लगा हुआ है, समाज की बात है, हमारे समाज भरते हुए अभी शोषण हो रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हुआ तत्काल उसके ऊपर? अभी भी हमारे चलता है, हमारे आदमी को क्यों बुला लो, उसको एट्रोसिटी धारा लगना चाहिए, क्यों नहीं लगाई? एट्रोसिटी लगाइए सर, बुलाइए हमारे दोनों के बीच में, हम एक इसमें आपके बाद हमारे अधिकारी हम ला सकते हैं, मतलब कार्यपालिका अरे हमारे बुलाइए ना, जो जिसको मारा है वो हम बुलाइए, आप कार्यपालिका एट्रोसिटी के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाए, बुला सकते तो आपका संरक्षण है फिर, मतलब सुनिए
ये दूसरी टाइप की बात है, ये कानून ऐसा हमको अलाउ नहीं करेगा। आप लोग पंचायत में ये होता ठीक है, आप लोगों की बातें सुनने के लिए मैं 11 बजे यहां बैठा हूं। सर ऐसा नहीं है, कानूनी मुद्दे पे चल रहे ना अपन, ये सामाजिक मुद्दा पहले था, विरोध प्रतिरोध था, सामाजिक मुद्दा था ठीक। अब उस सामाजिक मुद्दा को आपराधिक मुद्दा लाया गया, क्राइम का क्राइम है भाई, अपराधी के हमको मारपीट किया हो, वो सामाजिक मुद्दा नहीं है, उसमें मतलब हो गया। और उसी का जांच नहीं होना, सुनना दबाता है आप ऐसे क्यों कहते हैं, आप मेरे साथ दो घंटा यहाँ से एक जांच भी नहीं हुआ अगले साल, कुछ नहीं हुआ ना आपका कार्यवाही हमारे ऊपर कोई प्रकार की ऐसा हमारे इस प्रकार का आप हमारे बीच हमारा सामान मान है अभी, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, अगर होना चाहिए नहीं हो सकता बताइए आप। लेकिन आप सुनिए पहले बात, उसको बुलाने की बात, क्योंकि न्यायालय में दो पक्ष होगा समझिए, उनका काम न्यायालय में पुलिस करे लिख पढ़ के सही जांच करे समझिए, ये न्यायालय न्याय करने का नहीं है, ये लोग तो न्यायालय जज करेगा, ये अधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पर जब तक हम मजिस्ट्रेट रहे ये करेगा, लेकिन हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारा निष्पक्ष जांच करके वहाँ पेश हो जाए। मैं आपको